नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज चर्चा करेंगे, जब दक्षिण दिशा में भोजन कक्ष को बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं, जब साउथ डायरेक्शन में डाइनिंग रूम को बनाया जाता है तो उसके क्या परिणाम होते हैं। लेकिन दोस्तों इस जानकारी से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जोर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का विषय। जब डाइनिंग रूम को, भोजन कक्ष को दक्षिण दिशा में बनाते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं। दोस्तों घर के अंदर कई तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे नहाना, सोना, खाना बनाना, पढ़ाई करना। हर एक एक्टिविटी के लिए घर के अंदर एक उचित स्थान बताया गया है। वास्तु के अनुसार कोई भी एक्टिविटी जो की जाती है घर के अंदर, उसके लिए एक उपयुक्त स्थान बताया गया है। तो दोस्तों भोजन कक्ष के लिए, डाइनिंग रूम के लिए जो सबसे उचित स्थान, उपयुक्त स्थान जो बताया गया है, वो बताया गया है पश्चिम दिशा, वेस्ट डायरेक्शन, और पश्चिम दिशा शनि का स्थान। तो डाइनिंग रूम पर, भोजन कक्ष पर शनि का प्रभाव होता है। दोस्तों साउथ डायरेक्शन, दक्षिण दिशा, ये मंगल का स्थान है और ये जो स्थान है यहाँ पर ड्राई जोन और हॉट जोन ये मिलती हैं आपस में। तो जब दक्षिण दिशा में डाइनिंग रूम को बनाते हैं तो डाइनिंग रूम पर, मैंने आपको बताया, शनि का प्रभाव होता है। तो शनि का जो प्रभाव है वो मंगल के ऊपर यहाँ डाइनिंग रूम बनाने से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो शनि का इफेक्ट मंगल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं, तो उसका जो मेन रिजल्ट है, उसका जो मेन परिणाम है वो ये है कि जो आउटसाइडर्स होते हैं, जो घर के बाहरी लोग जो होते हैं, वो घर में अपना अधिक प्रभाव दिखाने लगते हैं, उनका जो प्रभाव है घर में अधिक होने लगता है। तो दोस्तों ये परिणाम होता है जब भोजन कक्ष को दक्षिण दिशा में बनाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।